पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोत ने वीरेंद्रपुरी वार्ड में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी वचन पत्र में शामिल किए जनहितैषी वादों के बारे में मतदाताओं को जानकारी दी। कांग्रेस उम्मीदवार ने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाया कि वचन पत्र में की गई घोषणाएं जन कल्याणकारी हैं और यदि उन्हें तीसरी बार मौका मिलेगा तो वो इस पर अमल भी करेंगे। पश्चिम विधानसभा से चुनावी समर में तीसरी बार उतरे कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोत तो जोर शोर से जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ वीरेंद्रपुरी वार्ड में जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान मतदाताओं को कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल घोषणाओं के बारे में जानकारी दी। तरुण भानोत ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में जनता ने उन्हें भरपूर प्रेम दिया है और उन्होंने भी विधानसभा क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। यदि इस बार कांग्रेस को समर्थन मिला तो वचन पत्र में शामिल घोषणाओं को पूरा करने का काम करेंगे। सुबह से भगवान का आशीर्वाद लेकर हम सब हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय केवल कृष्ण आहूजा जी के साथ पूरे परिवार के सदस्य, ये हमारा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का परिवार, सब घरों में लोगों से वीरेंद्रपुरी वार्ड में आशीर्वाद भी ले रहे हैं, दीपावली की शुभकामनाएँ भी दे रहे हैं और सब घरों में मिठाई भी खाने को मिल रही है और आशीर्वाद भी मिल रहा है कि अगले 5 वर्ष जनसेवक के रूप में पुनः पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आपको काम करना है। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि जैसे पूर्व में जन आशीर्वाद हमको मिला, सबका सहयोग मिला, हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ हर काम को अपना विषय समझते हुए काम किया, इसी प्रकार अगले 5 वर्ष भी हमारे क्षेत्र के जो मतदाता हैं, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन सबका जब जनादेश मिलेगा उसके बाद उनकी हर तकलीफ को, उनके हर दुख को, उनकी हर बात को दिल में रखते हुए, स्थान देते हुए, अपना विषय मानते हुए हम सब ईमानदारी से काम करेंगे और जो सेवा का संकल्प उसे पूरा करेंगे। जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने मतदाताओं से 17 नवंबर को मतदान करने की अपील की।